अस्सलाम वालेकुम। बरकतों वाले माह रमज़ान की आमद आमद है, तो इस रमज़ान ईमान, सेहत और जायके के साथ में मैं हूँ शुगर एंड स्पाइस बाय फाइजा। इबादत के साथ साथ रमज़ान में हमें अपने प्यारों के लिए अफ्तार मेन्यू की भी फिक्र होती है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पैटीज, जो बाजार की निस्बत कम खर्च भी है और हाइजेनिक भी। इसके लिए दो मीडियम साइज आलू बॉइल कर ले, दरमियानी साइज का एक प्याज, नमक हस्बे ज़ायका, सफ़ेद ज़ीरा हाफ टी स्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, साबुत सूखा धनिया हाफ टी स्पून, एक अदद अंडे की जर्दी, एक पैक पफ पेस्ट्री जो कि बाज़ार में इंतहाई आसानी से दस्तयाब है, सबसे पहले पैन में हम ऑयल लेंगे और उसमें स्लाइस में कटा प्याज सौते कर लेंगे। प्याज नरम हो जाए तो इसमें तमाम स्पाइसेस वन बाय वन ऐड करते जाएं। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लें। दो से तीन मिनट भूनने के बाद आलूओं को मैश करके इसमें ऐड कर दें। और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद चूल्हा बंद कर दें और मिक्सचर को ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दें। ओवन ट्रे को ग्रीस कर लें। पफ पेस्ट्री की शीट्स को सेपरेट कर लें और इस तरह से इनमें फिलिंग करते जाएं। फिटे हुए अंडे की जर्दी से शीट्स को इस तरह से क्लोज कर लें। अब एंड में ब्रश की मदद से अंडे की जर्दी को पैटीज पर अप्लाई कर दें। ओवन को प्री हीट करने के बाद 150 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लें। लीजिए इंतहाई आसान और मज़ेदार वेजिटेबल पैटीज अफ्तार दस्तरखान के लिए तैयार हैं। मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।